हेलो हाय यूरन, स्टॉक टिप्पण में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC शेयर्स के बारे में, पर उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के लिए लगातार वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो इसी तरीके से वीडियो की अपडेट जानने के लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्या है, वो शेयर्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गूगल से ओपन कर लेता हूँ IRCTC की शेयर्स की प्राइस। यहाँ पे राइट नाउ देख सकते हैं 730 रुपीज़ पे करंटली ट्रेड कर रही है। आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा कि अब तेजी तेजी की बात करने वाले हैं कि तेजी क्यों आएगी, रीजन। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन आ रही है तेजी आने की, जो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं। राइट नाउ जिस तरीके से ये अभी आज के दिन डाउन ट्रेंड को एक क्रिएट करते हुए दिखी थी, 0.72% तक डाउन आते हुए दिखी है। यहीं से अगर 5 डेज पे ध्यान दे तो देख सकते हैं तेजी देखने को मिली थी, 1.12% तक की तेजी थी। आज अगर 1% की गिरावट नहीं होती तो ऑलमोस्ट 2% तक की तेजी देखने को मिल गई थी मार्केट में। यहीं पे अगर हम लोग फर्दर ध्यान दें तो फर्दर आप लोग देख सकते हैं आज के दिन होल्डिंग्स भी अच्छी बनती का दिखी है, 42.31 की होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है। यही बात करें IRCTC की मेन चार्ट पैटर्न के बारे में, तो चार्ट पैटर्न को हम लोग डिटेल में समझते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये चार्ट पैटर्न क्या थी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं IRCTC की किस तरीके से फ्लो बनाई हुई है मार्केट। तो जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 5 डेज पे। 5 डेज के फ्लो को समझते और जानते हैं मार्केट का हाल क्या है। मार्केट का हाल तो इस तरीके से बेहाल है कि आपको मैं क्या ही बताऊं। तो अभी जो राइट नाउ प्राइस पे आ चुकी है, ये इसकी बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ पे अगर इसको ये ब्रेक करते हुए दिखती है तब ये डाउन आने की चांसेस है, पर बहुत कम ही चांस है ब्रेक होते हुए दिखेगी। क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा अगर मार्केट की भी बात करें, निफ्टी 50 की भी बात करें, तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से निफ्टी 50 में भी फ्लो बना हुआ है। निफ्टी 50 में भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लो बना हुआ है, थोड़ा सा नेट स्लो है तो आने में टाइम लग रहा है, ऐसे वो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनको खुद पता है कि निफ्टी 50 में भी किस तरीके का फ्लो बना हुआ है, वो सब बात की बात है। पर यहाँ पे जो मेनली मैं बात करना चाहूँगा कि कितनी अच्छी फ्लो ऊपर की साइड देखने को मिल सकती है, अब कितनी ऊपर तक की टारगेट है, 740 कहीं दूर नहीं है। 740 ब्रेक हो गई तब तो 800+ ही टारगेट है, तो आपको टारगेट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट की मेनली बात कर ले तो सपोर्ट आपका सबसे पहले आता है 730, इसकी सबसे स्ट्रांग सपोर्ट है, और फिर उसके बाद 726 इसकी सेकंड स्ट्रांग सपोर्ट है। याद रखिएगा, लिख के रख लीजिए, शेयर्स बाई करना है तो कर लीजिए, क्योंकि आज मैंने खुद अच्छी खासी अमाउंट में शेयर्स बाई किए, वो भी बता ही देता हूँ कितनी। तो ऑलमोस्ट मैंने 20,000 या 15,000 की शेयर्स बाई की है, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं मैं खुद बाई कर रहा हूँ। तो रीज़न है क्योंकि